अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब? अच्छा जी, आज हमारी एक ऐसे लास्ट क्लास है इस वीक की, क्योंकि कल से आपकी ईद की छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं, जो कि हैं 22 मई से 22 मई से 27 मई तक। ठीक है, आप लोगों ने अपने लैब मैनेजर की अनाउंसमेंट भी पढ़ ली होगी, जो उन्होंने ग्रुप के अंदर पोस्ट की है कि छुट्टियाँ जो हैं वो 22 मई से 27 मई तक, यानी कि जो है वो क्लासेस नहीं होगी, आपकी क्लासेस जो है वो 28 मई से शुरू होगी। ठीक है, उसके अलावा आप जितने लोग अब तक आ चुके हैं वो लोग क्या करें, वो अपनी अटेंडेंस करा लें। ठीक है, अटेंडेंस कराने का तरीका क्या है, ग्रुप के टॉप के ऊपर लिंक लगा हुआ है, अदील मलिक के नाम से पोस्ट है, वहां पर जाएं और अपनी अटेंडेंस मार्क करें। अच्छा, अगेन से रिपीट कर रहा हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि उनका नाम नहीं आ रहा है। उनका नाम इसलिए नहीं आ रहा है कि उन्होंने भी अभी तक अपने आप को पोर्टल के ऊपर रजिस्टर नहीं किया है। तो अगर आप कल तक अपने आप को पोर्टल के ऊपर रजिस्टर नहीं करेंगे तो आपको डी इनरोल कर दिया जाएगा, ई रोजगार की तरफ से ग्रुप से भी रिमूव कर दिया जाएगा। अगर आपको डी इनरोल की तरफ से कोई इशू आ रहा है तो आप अपने लैब मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं। कल मैंने दोनों लैब मैनेजर्स की जो नाम थे उनके फ़ोन नंबर और वर्ड्स हैं आपके साथ शेयर कर दिए थे। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा इनरोलमेंट से रिलेटेड मुझसे आप कोई क्वेश्चन आ क्या करें, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इनरोलमेंट से रिलेटेड कि उसका क्या प्रोसेस है और डॉक्यूमेंट्स कैसे लगते हैं, या जो भी इंफॉर्मेशन है मुझे उससे कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आपका कोई भी क्वेश्चन है इनरोलमेंट से रिलेटेड, पोर्टल से रिलेटेड, ई रोजगार के, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने लैब मैनेजर से रब्ता करेंगे। और मेरे ख्याल से आज या कल जो है वो आपके पास लास्ट डेट है, उसके बाद अगर आपने इन तारीख तक अपने आप को प्रॉपरली रजिस्टर नहीं करवाया तो आपको ई रोजगार से रिमूव कर दिया जाएगा। ये मैसेज मैं उन लोगों को दे रहा हूँ जो अभी तक पोर्टल के ऊपर रजिस्टर नहीं हुए हैं, उनको जिनको ई मेल आई थी कि वो रजिस्टर हो गए। ठीक है, और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने गिग्स क्रिएट किए हैं, और मैं आपको बता जैसे कि काफ़ी सारे लोगों ने गिग क्रिएट किए हैं और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया आप लोग गिग को देखकर, ना ही कोई अच्छी सी पिक्चर बनाई हुई है आप लोगों ने, ना ही कोई इतनी इंटरेस्टिंग जो है डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ऐसे लग रहा है आप लोगों ने बस गिग जो है सर से ऊपर से उतारे हुए। आपको पहले भी कहा था कि गिग के ऊपर अच्छा अच्छी खासा टाइम लगाएं, इसलिए मैंने इस असाइनमेंट की कोई डेडलाइन नहीं रखी थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने गिग के ऊपर लगाएं। अब काफ़ी सारे यहाँ पिक्चर हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर है बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग पिक्चर नहीं है, या ये वाली पिक्चर है बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। इसी तरह अच्छा यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उनका नाम अदील अहमद है, उन्होंने यहाँ पे ड्राइविंग की गिग लगाई हुई है। तो मैंने शायद पहले भी आपको वो कहा था कि फाइवर के ऊपर हम लोग फिजिकल सर्विसेज नहीं दे सकते हैं, तो आप फाइवर के ऊपर ये नहीं कह सकते हैं कि मैं आपको $20 के अंदर ड्राइविंग सिखा दूंगा, क्योंकि उसके लिए एक बंदे को आपके पास आना पड़ेगा। अगर अमेरिका में कोई बंदा ड्राइविंग सीखना चाहता है तो डेफिनेटली आपके पास डीजी खान या रहीम या खान ड्राइविंग सीखने नहीं आएगा। तो आप लोगों ने फाइवर के ऊपर फिजिकल सर्विसेज नहीं लगानी है, वो यहाँ पर सेल नहीं होती हैं, यहाँ पर जितनी सर्विसेज होती हैं वो सारी वर्चुअल होती हैं। ठीक है, आज हम लोग बिजनेस प्रपोजल के ऊपर लेक्चर है आपका,
या आप इसे कह सकते हैं कि बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हुए आपने कि आपने किस तरह से बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हुए क्या लिखना है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। अभी आप लोगों में से कुछ लोग गिग बना रहे होंगे, उनको थोड़े एक दो दिन तक जो है वो बाय रिक्वेस्ट नज़र आने लग जाएगी। ऐसा नहीं होता है कि आपने गिग बनाया हो इस वक्त बाय रिक्वेस्ट नज़र आने लग जाए, थोड़ा टाइम लगता है, एक दिन लग सकता है, दो दिन लग सकते हैं, तीन दिन लग सकते हैं। पर अगेन से ज़रूरी नहीं है कि आप जिस वक्त चेक कर रहे हैं उस वक्त बाय रिक्वेस्ट है, बाय रिक्वेस्ट किसी भी वक्त आ सकती है। तो आप मुझसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि सर बाय रिक्वेस्ट नज़र नहीं आ रही, या मुझे बाय रिक्वेस्ट नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे भी इसका किसी को भी नहीं पता कि बाय रिक्वेस्ट किस वक्त नज़र आती है। मैंने आपको कुछ कल टाइम बताए थे, उन टाइम के ऊपर आमतौर पर नज़र आती है, लेकिन अगेन से वो भी कोई फिक्स टाइम नहीं है। जरूरी नहीं है कि उन टाइम पे आप जाओ आपको बाय रिक्वेस्ट नज़र आना शुरू हो जाए, ठीक है। बाय रिक्वेस्ट के लिए जरूरी है कि आप हर वक्त अपने बाय रिक्वेस्ट चेक करते रहें। किसी वक्त आ सकती है, आमतौर पर वो रात को आ रही होती है, सुबह सवेरे आ रही होती है, आमतौर पर फजर की नमाज के बाद। तो आज हम लोग बिजनेस प्रपोजल वगैरह पढ़ेंगे। और उसके अलावा अगर आपको कोई कागज से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वो भी आप कर सकते हैं इसके बाद। और मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रीम या कैनवा के ऊपर फिर से पिक्चर डिज़ाइन करना सिखाऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ख़राब पिक्चर्स डिज़ाइन की हुई हैं। कितनी आप बाकायदा जैसे सर के ऊपर से नहीं पाते हैं उस तरह से आप लोगों ने, बस फॉर एग्जाम्पल ये वाला गिफ्ट दिखाता हूँ मैं आपको, आप में से किसने डिज़ाइन किया हुआ है इमेज, इधर क्या लिखा है आर्टिकल क्वालिटी सर्विस, और नीचे से दो चीज़ें लिखी हुई हैं समरी राइटिंग स्टोरी राइटिंग। अगर आप चाहते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी जा सकती हैं इमेज के अंदर, लेकिन क्या है प्रॉपरली डिज़ाइनिंग किया हुआ इमेज। आप जब तक आप अपने इमेज को प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं करेंगे और उसकी डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली नहीं लिखेंगे, कोई भी बंदा आपको ऑर्डर नहीं करेगा, आप चाहे पूरी ज़िंदगी इन गिग्स को लेकर बैठे रहें। ये वही वाली बात है कि अगर आप किसी जगह पर नया बिज़नेस शुरू कर रहे हैं और उसकी प्रॉपरली प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं तो आपका बिज़नेस कभी भी नहीं चलेगा, आप चाहे जितना ज़बरदस्त किस्म का बिज़नेस की सर्विसेज ऑफर करें। इसी तरह आप जितनी मर्जी किस्म ज़बरदस्त किस्म की राइटिंग आपको आती हो या किसी ने लिखा है कि रिसर्च करके देगा, तब तक आप प्रॉपरली उसको प्रेजेंटेशन प्रेजेंट ही नहीं कर सकेंगे अपने गिग के अंदर, तो कोई भी आपको ऑर्डर नहीं करेगा, ठीक है। तो आज हम लोग जितने भी आपके फाइवर के क्वेश्चन हो सकते हैं आप लोग यहाँ पूछ सकते हैं, और आज हम लोग फाइवर की आखिरी क्लास लेंगे। जब नेक्स्ट वीक आप लोग आएंगे तो हम लोग ब्लॉगिंग सीखेंगे कि आप लोग किस तरह से वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और वेबसाइट के बाद आप किस तरह से पैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो बिजनेस प्रपोजल क्या चीज़ होती है, बाय रिक्वेस्ट क्या चीज़ होती है, ये वो वाला मैसेज होता है जो कि आपको जब फाइवर के ऊपर जॉब नज़र आती है या किसी भी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट के ऊपर आपको जॉब नज़र आती है तो आपको उधर बायर को कन्वेंस करना होता है कि आखिर वो आपको ऑर्डर क्यों करे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक शख्स कह रहे हैं कि सर मेरा गिग चेक करें, मुझे आपका नाम ही नज़र नहीं आ रहा, तो मैं आपका गिग कैसे चेक करूँ, मुझे आपका नाम फेसबुक यूज़र नज़र आ रहा है, ठीक है। एनीवेज हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं कि आपने बायर रिक्वेस्ट कैसे करनी है। आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही है, या आप लोगों ने अपने मोबाइल की या लैपटॉप की का वॉल्यूम कम किया हुआ है। रीटेक टैक्स जो होता है वो आमतौर पर 15 दिन के बाद आता है। ये जो भी है फेसबुक यूज़र के नाम से मुझे ये बंदा नज़र नहीं आ रहा है। मैंने इतनी दफ़ा आप लोगों को कहा है कि आप जब तक स्ट्रीम या आज के ऊपर अपने आप को एक्टिव नहीं करेंगे मुझे आपका नाम नज़र नहीं आएगा, और आज हमारा 8-9वां लेक्चर है और आपने अभी तक अपने आप को एक्टिव ही नहीं किया है। ठीक है, आवाज़ देने की आ रही है, जिसके पास आवाज़ कम है उनका उसकी तरफ उनकी तरफ वॉल्यूम कम है, तो अपना वॉल्यूम ठीक करेंगे तो आपको आवाज़ सही से आएगी। एनीवेज हम लोग बिज़नेस प्रपोजल लिख रहे हैं,
बिजनेस प्रपोजल लिखते हुए कुछ चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। वैसे तो जो सिंपल सी चीज़ें हैं वो सबसे पहले यह है कि आपने ग्रीटिंग करनी है, ठीक है। ग्रीटिंग के अंदर क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं हेलो लिख सकते हैं। तो आपने खाली सिर्फ ग्रीटिंग नहीं करनी है, बल्कि आपने करना है ग्रीटिंग और प्लस अपने बाय के साथ थोड़ा सा पर्सनलाइज होना। पर्सनलाइज कैसे होंगे? पर्सनलाइज का मतलब ये है कि आपने सिर्फ बाय को नहीं कहना है हेलो, बल्कि क्या करना है बाय का नाम भी लेना है। जब आप किसी को नाम के साथ बुलाते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, आप उसके साथ थोड़ा सा पर्सनलाइज हो गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे आपकी क्यूरीज का आंसर देने लग जाऊँ और मैं आप लोगों के नाम ना बोलूँ तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी मैं किससे बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं आपका नाम लेके आपके क्वेश्चन बोलूँगा, उसका जवाब दूंगा, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी, और आपका जब नाम बोला जाएगा तो आप उसको ज़्यादा गौर से सुनेंगे। इसी तरह इंसान की ये क्या कह सकते हैं इसको, इंसान इस तरह सोचता है कि जब आप उसका नाम उसको जब उसके नाम के साथ उसको मुखातिब करते हैं जब किसी को, तो आप क्या करते हैं हमेशा उसको ज़्यादा अटेंशन दे रहे होते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे, आपने जब भी क्लाइंट को कोई मैसेज करना है तो आपने खाली उसको हेलो नहीं लिख देना है, बल्कि हेलो के साथ उसका नाम लिखना है। इन केस अगर आपको क्लाइंट का नाम नज़र नहीं आ रहा है फाइवर के ऊपर या किसी भी वेबसाइट के ऊपर, हम फ्यूचर के अंदर पढ़ेंगे अपवर्क के ऊपर, फ्रीलांसर के ऊपर, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हेलो के साथ क्लाइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हैं हाउ मे आई कॉल यू, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप उससे किस्म का नाम पूछ रहे हैं। ऐसा ग्रीटिंग के अंदर से जरूरी नहीं है कि आप हेलो लिख सकते हैं, आप हेलो के जगह हाय भी लिख सकते हैं, आप डेयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा जो कंसीडर किया जाता है वो डेयर कंसीडर किया जाता है। अगर हम लोग बात करें अमेरिकन या यूरोपियन कंट्रीज में, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग जब भी ईमेल कर रहे होते हैं दूसरे को या बिजनेस प्रपोजल लिख रहे होते हैं तो आमतौर पर वो डेयर का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। डेयर का वर्ड अगर हम लोग बात करें तो एशियन कंट्रीज के अंदर इतना ज़्यादा अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता है। आप लोगों ने शायद सुना भी हो, कुछ अर्सा पहले कुछ लोगों ने कहा भी था कि डेयर का वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए अगर आप अपने ट्रेनर अपने टीचर को कोई ईमेल कर रहे हैं या प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको पता हो, अगर आप इसको बाहर से पढ़ के आया है तो बाहर से किसी टीचर के साथ डीलिंग कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया भर के अंदर जो वर्ड यूज़ होता है वो डेयर का वर्ड ही यूज़ होता है जब आप अपने स्टूडेंट के साथ मुखातिब हो या आप अपने टीचर के साथ मुखातिब, ठीक है। तो आपके पास ग्रीटिंग की 3-4 ऑप्शन हैं। आप हेलो कह सकते हैं, हाई कह सकते हैं, डेयर भी कह सकते हैं। इन केस अगर आपका क्लाइंट जो है वो किसी इस्लामिक कंट्रीज से, ठीक है, आपको वहाँ पे कंट्रीज नज़र आती रहती हैं, फ्लैग्स वगैरह नज़र आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो पाकिस्तान से है या फॉर एग्जांपल वो सऊदी अरब से है, तो आप क्या कह सकते हैं, आप इन्होंने इसको अस्सलाम वालेकुम भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपने सिर्फ उसी केस में कहना है जब आपको कन्फर्म हो कि अगला बंदा जो है वो क्या है, मुस्लिम है, वरना आपने ऐसा कुछ नहीं कहना। आपको कैसे पता चलेगा वो मुस्लिम है? आमतौर पर हम लोग उनकी उनके नाम से उनको पहचान लेते हैं कि बंदा मुस्लिम है कि नहीं है, ठीक है। या आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, आप लोग इसकी तरह जा सकते हो। तो आपने क्या कहना है, आपने क्लाइंट को ग्रीटिंग करनी है, फॉर एग्जांपल डेयर, और उसके साथ क्या करना है, नाम उसका क्लाइंट का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अच्छा चलने आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि आप फाइवर के ऊपर गए हैं, ठीक है, वहाँ पर एक बाय रिक्वेस्ट आई हुई है, आई नीड सपोज करें कि आप लोग फाइवर के ऊपर गए हैं, ठीक है, और आपने वहां पे क्या, आपको वहां पे क्या चीज नजर आई है, आपको वहां पे बाय रिक्वेस्ट नजर आई है। उसके अंदर बाय क्या कह रहा है, बाय कह रहा है कि मैं आपको $10 दूंगा अगर आप मुझे जो है फैशन के ऊपर आर्टिकल लिख कर दें। उसके बाद वो भी कहता है विद इन 3 days, ठीक है। आप फाइवर के ऊपर गए हैं और वहाँ पे आपको एक बाय रिक्वेस्ट नज़र आई है जिसमें कि बाय ने कहा हुआ है आई नीड एन आर्टिकल फॉर फैशन अबाउट फैशन फॉर $10 विद इन 3 days, ठीक है। तो मुझे आप लोग बताएं, मैं आप लोगों को 1 मिनट दे रहा हूं, आप सब लोग मुझे बताएं कि आप लोग अपने अपने बायर को क्या लिखेंगे, आप अपना बिजनेस प्रपोजल किस तरह से लिखेंगे। हाँ जी बताएं। अच्छा, यहाँ पे शाहिद मलिक ने कहा है कि ये रिक्वेस्ट मिलती कहाँ से, आप कल का लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये रिक्वेस्ट कहाँ से मिलती है।
मुझे आपके पास फटाफट से 1 मिनट है, मुझे बताएं कि अगर आपको फाइबर के ऊपर इस तरह से एक बाय रिक्वेस्ट नज़र आ रही है, उसमें उसमें लिखा हुआ है कि आई नीड एन आर्टिकल अबाउट फैशन फॉर $10 विद इन 3 डेज, तो आप उनको, अच्छा चलें ऐसा, यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने कहा है कि आर्टिकल की जगह कुछ और, आई नीड है, आई नीड, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, आई नीड ठीक है। एक वहाँ पे आपको डेटा एंट्री की जॉब नज़र आ रही है, उस पर लिखा हुआ है कि आई नीड डेटा अबाउट स्कूल्स इन पाकिस्तान फॉर $10 विद इन 3 डेज, तो मुझे बताएं कि आप किस तरह से इस बंदे को बिजनेस प्रपोजल सेंड करेंगे। आपके पास पूरे 50 सेकेंड्स हैं, फटाफट से बताएं। के नाम से थोड़ा सा आप गलत लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा, या तो आप आई विल राइट आर्टिकल फॉर विद इन 2 डेज। ठीक है, आपको आपके जहन में जो भी चीज़ आ रही है आप यहाँ पर लिखें, जैसी भी आपको आ रही है। ठीक है, हमारे साथ मोहम्मद खान ने एक लिखा है, हमारे साथ हसीब सागर ने लिखा है, फियाज है सर, आप भी हमारा स्टार्ट तो सेट कर लें। क्या फियाज हैदर, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, आप लोग, हमारे पास अरसलान बी के वो आई है। अवैस खान यूसुफजई, अगर आपको पता हो, आप जो टेंडर्स की पोस्ट है वो Day 1 से ही टॉप के ऊपर पिन है, ये वाली पोस्ट कभी भी कहीं नहीं जाती है, हमेशा टॉप के ऊपर ही रहती है टेंडर की जो पोस्ट है, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, हमारे पास कमर शहजाद की रिक्वेस्ट अगर आए, ठीक है, हेलो सर, हेलो, आई कंप्लीट योर ऑर्डर अबाउट योर डिमांड एंड आई विल मेक इट फॉर यू, नीड फॉर सम इंफॉर्मेशन, आई गेट इंफॉर्मेशन इन $10, देयर आर अवेलेबल, काइंडली इन्फॉर्म मी अबाउट द डिटेल्स। ठीक है, एक्स वाई जेड। ठीक है, मुझे आपके यहाँ पे दो किस्म की यहाँ पे बाय रिक्वेस्ट आप लोगों ने बिजनेस प्रपोजल लिख के दिए हैं, कुछ लोगों ने लिख कर दिए हैं जो कि मैंने यहाँ पे पहले लिखा था कि आपने इसके ऊपर एक बाय रिक्वेस्ट करनी है, काफ़ी लोगों ने इसके रिलेटेड लिखी है और काफ़ी लोगों ने इसके रिलेटेड लिखे, तो मैं आपको दोनों के ही आंसर दे देता हूँ। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने लिखा है कि उन्होंने लिखा है डेयर, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं उसका नाम टॉम है जिसके लिए हम लोग काम करने वाले हैं, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने लिखा है डेयर टॉम आई विल राइट आर्टिकल फॉर यू। ठीक है, अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो एक बंदा आपको कभी भी हायर नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा एक बिजनेस प्रपोजल ज़रा लेंथी सा है, मैं इसको पढ़ना चाहूँगा। आई हैव गॉन थ्रू योर प्रोजेक्ट ब्रीफ, आई अंडरस्टैंड योर डाटा इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्कूल, आई हैव डन सिमिलर वर्क इन द पास्ट। ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इस तरह से लिखे कि डोवर टॉम आई विल राइट एन आर्टिकल फॉर यू, तो अगर आप इस तरह से किसी भी बायर को इस तरह से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो वो आपको कभी भी हायर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर उसको आर्टिकल ही लिखवाना होता तो फाइवर के ऊपर हज़ारों लोग जो हैं वो आर्टिकल राइटिंग की सर्विस ऑफर कर रहे हैं, वो वहाँ से किसी को भी हायर कर लेता। ठीक है, वो बाय रिक्वेस्ट के ऊपर क्यों आया है? वो बाय रिक्वेस्ट के ऊपर इसलिए आया है क्योंकि उसको उससे स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड कोई आर्टिकल राइटर नहीं मिला। उसका टॉपिक क्या है? उसका टॉपिक जो है वो फैशन से रिलेटेड है। अगर आप ये लिख देंगे ना, देयर टॉम आई विल राइट एन आर्टिकल फॉर यू, आई हैव फॉर एग्जाम्पल 20 ईयर एक्सपीरियंस इन आर्टिकल राइटिंग, तो आप उसको कुछ नया लिखकर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चाहे आपके पास 1000 साल का एक्सपीरियंस हो आर्टिकल राइटिंग में,
टॉम को इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप टॉम की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे हैं। टॉम की रिक्वायरमेंट क्या है? टॉम की रिक्वायरमेंट आर्टिकल राइटिंग नहीं है, बल्कि टॉम की रिक्वायरमेंट है आर्टिकल राइटिंग अबाउट क्वेश्चन। तो अगर आप इस तरह से बिजनेस प्रपोजल लिख कर देंगे उसको, तो टॉम आपको हायर नहीं करेगा, क्योंकि आप उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसको एक आर्टिकल राइटर चाहिए ही नहीं, बल्कि उसको क्या चाहिए? उसको एक आर्टिकल, ऐसा आर्टिकल राइटर चाहिए जो कि फैशन के अंदर एक्सपर्ट रखता हो। तो आपने उसको क्या लिखना है? आप उसको ये लिख सकते हैं, डियर टॉम, आई विल राइट एन आर्टिकल अबाउट फैशन एज आई हैव एक्सपीरियंस इन फैशन रिलेटेड आर्टिकल्स इन, या आप भी कह सकते हैं, आई हैव रिटन फैशन रिलेटेड आर्टिकल्स इन पास। ठीक है, अब आपने क्या कर लिया है? ऊपर वाला जो आपके पास, आपने अगर बिजनेस प्रपोजल भेजा है, तो ये एक जनरल बिजनेस प्रपोजल है। ठीक है, इसके अंदर आप पर्सनलाइज नहीं हो रहे हैं, आप अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे हैं, या अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन नीचे वाले बिजनेस प्रपोजल में आप क्या कर रहे हैं? आप उसके साथ उसको बता रहे हैं कि आप सिर्फ आर्टिकल राइटर नहीं हैं, बल्कि आप एक ऐसे आर्टिकल राइटर हैं जिसके पास पास्ट एक्सपीरियंस है फैशन में आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो गेम से बता रहा हूँ, आपने क्या करना है? जब भी क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट पोस्ट की है बाय रिक्वेस्ट, तो आपने देखना है कि उसके अंदर उसको क्या स्पेसिफिक चीज़ चाहिए। ठीक है, और आपने कोशिश करनी है कि उन वर्ड्स को अपने बिजनेस प्रपोजल के अंदर आप क्या करें, इनकॉर्पोरेट करें, यानी कि उनको मेंशन करें। अगर आप क्या है कि मैं आर्टिकल लिख कर दे दूंगा, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हजारों लोग ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, आर्टिकल लिख कर दे रहे हैं। आपने उसे बताना है कि आप उसको फैशन से रिलेटेड आर्टिकल लिख कर देंगे, आपके पास फैशन से रिलेटेड आर्टिकल लिखने में एक्सपीरियंस है। ठीक है, बात समझ आ गई है कि आपने पर्सनलाइज होना है। अगर आप पर्सनलाइज नहीं होंगे अपने क्लाइंट के साथ, तो आप एक रैंडम सी चीज़ कर रहे हैं। ये वही वाली बात है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने कैसी सीवी बनाई हुई होती है, उन सब लोगों ने इंटरनेट से सीवी जो है ना वो डाउनलोड की हुई होती है, सबका सेम फॉर्मेट होता है, सब ने अपने ऑब्जेक्टिव भी सेम लिखे होते हैं, क्योंकि उन सब लोगों ने क्या किया होता है, इंटरनेट से कॉपी की हुई होती है सीवी। तो जब आप किसी जगह जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, फिर आप कहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिली, जॉब क्यों नहीं मिल रही होती है आपको? क्योंकि आपने सब कुछ सेम बेसिक चीज़ें और जनरल चीज़ें डाली होती हैं। जब तक आप अपनी सीवी को पर्सनलाइज नहीं करेंगे, उसके अंदर आप अपने बारे में नहीं बताएंगे, तो आप जिस जगह पे अप्लाई करने जा रहे हैं उनको आपके बारे में नहीं पता चलेगा। ठीक है, उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आपने कौन सी डिग्री ली है, उन्हें इस बात से गर्ज है कि आपने जो डिग्री ली है उसके अंदर आपकी स्किल्स हैं या नहीं है। सेम इसी तरह टॉम को इस बात से गर्ज नहीं है कि आपको आर्टिकल लिखना आता है या नहीं आता है, टॉम को इस बात से गर्ज है कि क्या आपको फैशन के ऊपर आर्टिकल लिखना आता है या नहीं आता है। ठीक है, इसलिए आपने क्या करना है, इन वर्ड्स को यहाँ पर मेंशन करना है जो कि क्लाइंट मेंशन कर रहा है अपनी बाय रिक्वेस्ट में। इसी तरह अगर हम लोग बात कर लें कि दूसरी हमारे पास एक बाय रिक्वेस्ट आई है, और वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो दूसरी रिक्वेस्ट रिलेटेड है डाटा एंट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो आपने उसको ये नहीं कह देना है कि आई विल कलेक्ट डाटा फॉर यू, क्यों नहीं कह, आपने क्या कहना, फॉर एग्जाम्पल आप ये नहीं कह सकते हैं, डेयर टॉम आई विल परफॉर्म योर रिक्वायर्ड टास्क। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से कर देंगे, तो अगेन से टॉम को आपके इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि टॉम को इस तरह से हजारों लोगों ने बिजनेस प्रपोजल सेंड किए होंगे, उन लोगों ने बाय रिक्वेस्ट सेंड किए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि टॉम आपको हायर करे, तो आपने क्या कहना है, आप इसको इस तरह से मजीद पर्सनलाइज कर सकते हैं, डेयर टॉम आई लिव इन पाकिस्तान एंड नो वेयर हाउ टू गेट डेटा अबाउट स्कूल इन पाकिस्तान। ठीक है, जब आप उसे कह देंगे कि आप पाकिस्तान में रहते हैं और आपको पता है कि पाकिस्तान में किस तरह से स्कूल का डेटा वर्क करता है, तो डेफिनेटली वो आपको हायर करने में इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्टेड होगा। अच्छा, ये भी हो सकता है कि टॉम कहे कि मुझे पाकिस्तान का नहीं, मुझे यूएसए का चाहिए। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, डेयर टॉम Previously, I have worked on similar project where I have collected school data, collected
अबाउट स्कूल्स इन यूएसए, सो आई नो हाउ टू डू दिस वर्क प्रोफेशनली एंड एस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इसमें आपने क्या कह दिया है, आपने टॉम को बता दिया है कि चले आप यूएसए में नहीं रहते हैं, लेकिन आपने प्रीवियस में इस तरह का काम किया हुआ है, तो इसलिए आपको पता है कि आप ये किस तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर पूरी ठीक है, बात समझ आ गई है आप सब लोगों को। तो अब इसमें क्या किया है, मैंने अगेन से अपने क्लाइंट को थोड़ा सा पर्सनलाइज किया है। ठीक है, उससे बात करने की बहुत बात की है। अगेन से अगर आप बहुत जनरल बात करेंगे ना, टॉम मुझे काम आता है, मुझे हायर कर लो खुदा के लिए, मुझे हायर कर लो खुदा के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने क्या करना है, प्रॉपरली उसको प्रोफेशनल तरीके से बात करनी है, और उसका जो उसकी जो प्रॉब्लम है ना, जब तक आप उसको मेंशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो उसको इंटरेस्ट नहीं होगा आप में। ठीक है, एक बंदा बाय रिक्वेस्ट पोस्ट ही जब करता है, जब उसे फाइवर के ऊपर से कहीं से कोई गिग नहीं मिल रहा होता, तो उसके बाद क्या करता है, वो तंग आके बाय रिक्वेस्ट पोस्ट कर देता है। तो इसलिए आपने प्रॉपरली अपने क्लाइंट के साथ क्या करना है, उसकी पर्सनलाइज होना है, उसके साथ इस तरह से बात करनी है कि उसको लगे कि आप उसकी प्रॉब्लम समझ गए हैं और आपके पास उसका सोल्यूशन है। अच्छा, यहाँ पे एक बिजनेस प्रपोजल लिखा है, किसने लिखा है, कमर्शियल आजाद ने। तो एक अच्छा, उन्होंने अपने बिजनेस प्रपोजल के अंदर अपना लिंक मेंशन किया है। तो आपसे कल भी कहा था कि जब आप प्राइवेट के ऊपर अपने क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं, तो आपने वहाँ पर कभी भी किसी के साथ भी अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, यानी कि अपना फॉर एग्जांपल फोन नंबर शेयर नहीं करना, या बैंक डिटेल शेयर नहीं करनी, या इवन फेसबुक प्रोफाइल वगैरह शेयर नहीं करनी। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखें, अगर आपने फॉर एग्जांपल अपने बिजनेस प्रपोजल के आखिर में अपनी फेसबुक या लिंक्डइन की का लिंक ऐड कर दी है, तो फिर वो वाला बिजनेस प्रपोजल जो है वो आपके बायर को नजर नहीं आएगा, बल्कि वो स्पैम में चला जाएगा। ठीक है, ये दो तीन चीजें मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाई हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले हमने ग्रेटिंग की है, उसके बाद हम लोग ने क्या किया है, दूसरी चीज आपके अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ योर क्लाइंट। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास, तीसरी चीज हमारे पास क्या है, सॉरी, दूसरी चीज हमारे पास ये है कि आपने अपने क्लाइंट को अंडरस्टैंड करना है। अगर आप अपने क्लाइंट को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, या उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, तो आपको खुद समझ नहीं आएगी कि आपका क्लाइंट आपसे चाहता क्या है। नहीं जी, आपने लिंक्डइन का लिंक, किसी भी चीज का लिंक नहीं देना है। ठीक है, जब आप अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेंगे, नेक्स्ट क्या चीज होगी, टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आपने उसके सॉल्यूशन की बात करनी, कि जो 3 और 4, यानी कि जो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रॉब्लम जो है उसको डेटा चाहिए, और आपके पास उसका सोल्यूशन किस तरह से आप उसको फिल करके दे सकते हो। ठीक है, और आपने क्या करना है, थ्रू आउट अपने बिजनेस प्रपोजल के अंदर अपने क्लाइंट के साथ पर्सनलाइज ये पर्सनलाइज से क्या होता है, पर्सनलाइज का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा, यानी कि उसके साथ इस तरह से बात करो जैसे कि आप उसकी प्रॉब्लम को समझ रहे हो, उसका नाम लेके बात करो, उसकी प्रॉब्लम को मेंशन करके बात करो। ठीक है, तो इस तरह से अगले बंदे को ये लगता है कि आपने वाकई में उसकी जो प्रॉब्लम है उसको ध्यान से पढ़ा है, और उसको समझ रहे हो कि आखिर आप कहना क्या चाह रहे हो। ठीक है, बात समझ आ गई है। अगेन से अगर आप रैंडमली बिजनेस प्रपोजल लिख लोगे, तो आपको कोई भी बंदा हायर नहीं करेगा। अगर वो प्रीवियस काम का प्रूफ मांग ले तो दिखाएं, वो प्रीवियस से कोई प्रोजेक्ट नहीं किया हो। अच्छा, मुझे यहाँ पे 2 क्वेश्चन नजर आए हैं। एक ने लिखा है कि क्या हम अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट लिंक दे सकते हैं। तो जब मैंने आपको ये कह दिया कि आपने किसी भी तरह का लिंक किया वो नहीं देना, तो आपने नहीं देना है। ठीक है, चाहे वो आपका पोर्टफोलियो या जो भी चीज हो। ठीक है, उसके अलावा एक किसी ने लिखा है कि अगर हमारे पास प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, और आपका क्लाइंट आपसे प्रीवियस एक्सपीरियंस मांग ले, तो इसका जवाब मैं अभी आपको आगे आगे देता हूँ, वो इसी बिजनेस प्रपोजल के अंदर आएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या किया है, आपने शुरू के अंदर अपने क्लाइंट से थोड़ा सा फ्री होने की बात किया, पर्सनलाइज हो गया, उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, उसको बता दिया कि आप उसको कितना सोल्यूशन दे सकते हैं। आपने कभी भी यहाँ पर ये नहीं लिखना है कि आई हैव फॉर एग्जाम्पल 3-2 ईयर एक्सपीरियंस या ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने नहीं लिखनी है।
क्लाइंट को इस चीज़ से इंटरेस्ट नहीं होता है कि आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास 100 साल का एक्सपीरियंस है, उसे इस बात से ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि क्या आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अच्छा यहाँ पे जो मैं रेड चीज़ें लिख रहा हूँ आपने वो वाली चीज़ें नहीं मैंशन करनी है। ठीक है, उसके बाद आप क्या कह सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे अब बात कर सकते हैं। अब ये अच्छा मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग यहाँ पे जो रैंडमली क्वेश्चन क्या है जो लिख रहे हैं ना, मैं इन सब चीज़ों को पढ़ रहा हूँ, तो बड़ा मेहरबानी से लेक्चर के ऊपर गौर करें, क्वेश्चन का मौका आप सबको मिलेगा। ठीक है, आपने यहाँ पे अपने फेक एक्सपीरियंस को नहीं लिखना है, आपने ये लिखना है कि आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस, आई हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, पता चले कि क्लाइंट ने आपको आपके एक्सपीरियंस के बेस पे आपको हायर कर लिया, आगे जाके आपको काम करना नहीं आ रहा है, तो फाइवर को आपकी प्रोफाइल को रिपोर्ट कर देगा, फाइवर ने आपको किक आउट कर देना। ठीक है, एनीवेज उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने बताना है आई कैन प्रोवाइड यू एन एग्जाम्पल। उसके बाद आप क्लाइंट को ये कह सकते हैं कि मैं आपको सैंपल प्रोवाइड, जैसे भी किसने कहा था ना कि अगर क्लाइंट हमसे ये कह दे कि प्रीवियस वर्क दिखाओ, तो आपने इस सिनेरियो के अंदर अपना अगर आपके पास प्रीवियस वर्क नहीं हुआ हुआ है तो आपने ये करना है, आपने अपने क्लाइंट को कहना है कि मैं आपको सैंपल दे देता हूँ। और आप जब वर्ड लिखते हैं ना सैंपल का, ये होता है सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव, या बल्कि अगर आप सैंपल के साथ लिख देना फ्री सैंपल, इस चीज़ को ज़रा बाद में डिस्कस कर सकते हैं, अगर आप लिख देना फ्री सैंपल तो फिर तो क्लाइंट जो है उसने आपको चाहे हायर करना हो या ना करना हो, वो कम से कम आपके बिजनेस प्रपोजल को रीड करने के बाद आपको मैसेज तो ज़रूर कर देता है। ठीक है, तो आप उसे कह सकते हैं आई कैन प्रोवाइड यू विद अ फ्री सैंपल। आप लोगों ने देखा होगा आप कभी मार्केट के अंदर जाते हैं, कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, और अगर किसी शॉप के बाहर में लिखा हो कि बाहर लिखा हो सेल लगी हुई है या 50% फ्लैट सेल है, तो अगर आपने वहाँ से कुछ खरीदना भी ना हो तो आप क्या कहते हैं कम से कम एक दफ़ा उस दुकान के अंदर या शॉप के अंदर एंटर जरूर होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसी तरह अपने बिजनेस प्रपोजल के अंदर फ्री सैंपल की बात कर देंगे ना, तो क्या होगा, अगर क्लाइंट जो है वो डेफिनेटली आपसे रब्ता करेगा। और हमारा बिजनेस प्रपोजल के अंदर जो मेन मकसद है वो यही है कि हम क्लाइंट को इतना मजबूर कर दें, वो चाहे हमें हायर करे या ना करे, लेकिन कम से कम वो हमें मैसेज ज़रूर करें। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि आप लोगों ने देखा होगा कि फाइवर के ऊपर आप कभी भी क्लाइंट को पहला मैसेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब तक बायर आपको पहला मैसेज ना कर ले आपके पास ऑप्शन नहीं आती है कि आप किसी बंदे को मैसेज कर सकें। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि एक बंदा जो फाइवर के ऊपर लोगों को हायर करता है उसकी तरफ से आपको मैसेज आए, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको थोड़ी सी लालच दे सकते हो। वो क्या लालच हो सकती है, फ्री सैंपल की बात हो सकती है। ठीक है, तो आप उसे कह सकते हैं आई कैन प्रोवाइड यू विद अ फ्री सैंपल। और जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे फ्री सैंपल की, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपने उसको फ्री के अंदर सारा काम कर देना है। फ्री सैंपल क्या चीज़ होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो आर्टिकल राइटिंग करवा रहा है तो आप उसको 20 वर्ड्स लिख कर दे दें। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपसे डेटा एंट्री का वर्क करवा रहा है तो आप उसको क्या करें, 2 डेटा एंट्री का वर्क करके दे दें। ठीक है, बात समझ आ गई है। फ्री सैंपल का क्या मतलब, फ्री सैंपल का हर चीज मतलब ये नहीं है कि आप फ्री में पूरा आर्टिकल लिख कर दे दें या सारा का सारा डेटा एंट्री का वर्क करके दे दें। फ्री का मतलब ये है कि आप उसको 20 वर्ड लिख कर दे दें, 1 या 2 सेंटेंस लिख कर दे दें। इसी तरह अगर डेटा एंट्री से रिलेटेड वर्क है तो आप उसको 2-3 जो है वो काम करके दिखा दें सैंपल के तौर पर कि ये इस तरह से मैं कर सकता हूँ। इसी तरह अगर आपने फॉर एग्जाम्पल किस चीज़ से रिलेटेड गिग्स लगाया है आप लोगों ने, थोड़ा सा बताएं। बहरहाल आप जो भी फ्री सैंपल देंगे आपने उसमें इंश्योर करना है कि उसके अंदर आपने पूरा काम नहीं करके दे देना है, आपने उसके अंदर हार्डली 5-10% काम जो उसको करके दिखाना है। ठीक है, इससे क्या होगा, उसका इंटरेस्ट आपके अंदर मजीद क्या हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा, वो आपको हायरिंग की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगेन से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, उसके बाद क्या है, आपने यहाँ पे क्लोजिंग रिमार्क लिखना है, और क्लोजिंग रिमार्क के अंदर आपने क्या लिखना है, आई एम वेटिंग ऑफ यूअर रिप्लाई। ठीक है, यानी कि आप उसे ये कह सकते हैं कि मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ।
ठीक है, इसी तरह अगर आपने फॉर एग्जांपल किसने लिखा है कि वो टीचिंग ऑफर कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो टीचिंग के सिनेरियो के अंदर? आप यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्री सैंपल बता देता हूँ। टीचिंग के सिनेरियो के अंदर आप उसमें कह सकते हो 5 मिनट क्लास ले सकते हो टीचिंग, ठीक है। इसी तरह अगर किसने ग्राफिक से रिलेटेड लगा रहा है, तो मुझे ग्राफिक से रिलेटेड बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उसमें किस तरह के सैंपल होते हैं। आमतौर पर ग्राफिक से रिलेटेड के अंदर आपके पास प्रीवियसली क्या होता है, कोई ना कोई काम दिखाने के लिए आपके पास होता है, ठीक है। अगर आप फोटोशॉप कुछ भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पास प्रीवियसली आपने कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो आप इस तरह की मुख्तलिफ चीजें वहां पर ऑफर कर सकते हैं। या अगर किसने वॉइस ओवर का लगाया रहा है, तो आप उसको 1 मिनट की वॉइस ओवर करके दे सकते हैं एज अ सैंपल। 1 मिनट तो बहुत ज्यादा, 20 सेकेंड की क्या कहते हैं वॉइस ओवर करके दे सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपने फ्री सैंपल जब देना है जब आपके पास प्रीवियस कोई वर्क दिखाने के लिए नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास प्रीवियस वर्क दिखाने के लिए है, तो उसमें फिर आप फ्री सैंपल ना दें। लेकिन अगर आप फिर भी फ्री सैंपल को मेंशन कर देंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि क्लोज रिमार्क, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। जब आप ये वाला वर्ड लिख लेते हैं, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, तो अगला बंदा जो है वो थोड़ा सा बाउंड हो जाता है। उसे लगता है कि मुझे इस बंदे को रिप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा जो है रिप्लाई का वेट कर रहा है। स्पेशली अगर हम लोग बात करें अमेरिकन की या यूरोपियन कंट्रीज में जो लोग हैं, वो इस मामले में थोड़े से हसास हैं, कि जब आप उन्हें ये कह देते हैं कि हमें आपके मैसेज का वेट कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो आपको फिर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ रिप्लाई कर देते हैं। चाहे वो आपको रिजेक्शन का रिप्लाई करें, कम से कम वो आपको रिजेक्शन कर देते हैं, ठीक है। जनाब ये बात समझ आ गई आप सब लोगों को कि जब आपने बिजनेस प्रपोजल लिखना है तो किस तरह से लिखना है। अब मैं आपके साथ एक छोटा सा बिजनेस प्रपोजल लिख कर दे रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा बिजनेस प्रपोजल जो है वो क्या होना चाहिए? ठीक है, आपने बिजनेस प्रपोजल के अंदर कोई लंबी लंबी तकरीर नहीं लिखनी है, छोटा सा होना चाहिए, ठीक है, टू द पॉइंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, प्रोफेशनली आप लोगों ने उसको लिखा हुआ, शुड बी टू द पॉइंट, पर्सनलाइज्ड एंड शॉर्ट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ गेम से। अगर आपने बहुत ज़्यादा लेंथी बिजनेस प्रपोजल लिख लिया है, फॉर एग्जाम्पल 10 लाइनों का लिख लिया है, तो एक बंदे के पास इतना टाइम नहीं है, उसने सिर्फ आपका बिजनेस प्रपोजल नहीं पढ़ना है, वहाँ पे 20 लोगों ने और भी बिजनेस प्रपोजल सेंड किए हुए हैं, तो या बाय रिक्वेस्ट सेंड की हुई है। अगर आपने 1 सेकेंड, ये चैट के अंदर क्या चल रहा है, अगर आप में सब कोई बंदा यहाँ पे लड़ा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है। और मैं आप लोगों के नाम बाद में नोट करता हूँ कि आप में से कौन लोग हैं जो यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रोफेशनल बिहेवियर दिखाएं, ठीक है। एनीवेज हम लोग वापस आते हैं कि जब आप फाइवर के ऊपर बिजनेस प्रपोजल लिख रहे हैं, तो हमेशा याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं फाइवर के ऊपर जो बायर रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, दूसरे 20 लोग या 30 लोग और भी हैं, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने बिजनेस प्रपोजल बहुत ज़्यादा लेंथी लिख दी है, तो बायर आपके बिजनेस प्रपोजल को दूर से देख कर ही बंद कर देगा। आपने क्या करना है, आपने इंश्योर करना है कि आपका बिजनेस प्रपोजल जो है वो टू द पॉइंट हो, उसके अंदर आप पर्सनलाइज हुए हैं और वो शॉर्ट हो, ठीक है। अगर आपने 10 या 20 लाइनों का बिजनेस प्रपोजल लिख दिया है, तो वो दूर से देखकर ही उसको बंद कर देगा। वो कहेगा मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 20-20 लोगों के इतने लंबे लंबे लेंथी लेंथी बिजनेस प्रपोजल जो है वो रीड करना शुरू करूँ, ठीक है। एक बिजनेस प्रपोजल जो है मैं आपके लोगों के साथ अभी ग्रुप के अंदर थोड़ी देर में बात शेयर करता हूँ क्लास के एंड के अंदर, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम लोग बिजनेस प्रपोजल किस तरह से लिखते हैं। दूसरा मैं यहाँ पे आपके साथ एक लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हेलो टॉम, आई रीड यूर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड अंडरस्टैंड दैट यू आर लुकिंग फॉर एन आर्टिकल राइटर हु इज एक्सपर्ट इन फैशन, ठीक है। सब लोग अब यहाँ पे सामने देखें फैशन, previously I have worked on similar project and understand that how it can help the
passion, business to grow their skills. My writing skills will surely help you to generate some revenue. अब यहाँ पे मैंने क्या कह दिया है, यहाँ मैंने उसे क्या कह दिया कि अगर आप मुझे हायर करोगे तो उससे क्या होगा, आपके बिजनेस को फायदा होगा. क्यों होगा? क्योंकि मुझे पता है कि किस तरह से आप राइटिंग जो है या कंटेंट जो है, रिटन कंटेंट, वो किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है. ठीक है. आई कैन प्रूव माई राइटिंग स्किल्स इफ यू टेल मी मोर अबाउट द प्रोजेक्ट. आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू, या हम लोग यहाँ पे मजीद इसको सिंपल करने के लिए सकते हैं, I can provide you a free sample if you want to know about my writing skills. I am waiting for your positive reply ever. ठीक है. यहाँ पर आपको शायद बिजनेस पर बहुत लेंथी नजर आ रहा हूँ. मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज बहुत बड़ा किया हुआ है. ये हार्डली 3 लाइनों का बिजनेस प्रपोजल होगा. ठीक है. ठीक है, बात समझ आ गई. अब इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने उसको ग्रीटिंग कर ली है, उसकी प्रॉब्लम को मैंने समझ लिया है. ठीक है, मैंने उसके साथ प्रॉब्लम का थोड़ा सा सोल्यूशन बता दिया है कि मैं किस तरह से उसकी हेल्प कर सकता हूँ. ठीक है, उसके बाद मैंने उसको ये भी बता दिया कि मैं फ्री सैंपल दे रहा हूँ उसको. ठीक है, यहाँ पे चले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं. इन चीज़ों को मैं कलरफुल कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए. ग्रीटिंग की है मैंने उसके साथ, उसका पर्सनलाइज किया है. ठीक है, कि वो क्या चीज ढूंढ रहा है. मैं उसके एक्सपर्ट इन फैशन, ठीक है, उसकी एक्सपर्ट इन फैशन की बात कर ली है. उसके बाद मैंने उसको ये बता दिया है कि मेरे पास जो है राइटिंग स्किल्स हैं जो कि फैशन से रिलेटेड हैं. ठीक है, उसको मैंने ये भी बता दिया है कि मेरे पास प्रीवियसली एक्सपीरियंस भी है. उसके बाद मैंने उसको यहाँ पे फ्री सैंपल भी मैंशन कर दिया है. ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन चीज़ों को मैंने क्या कह लिया, मैंने इसको ये वेटिंग में कह दिया है कि मुझे रिप्लाई भी करो. ठीक है, आपने इंट्रोड्यूस करना है बिल्कुल. आप मैं बिल्कुल चेक कर रहा था आप में से भी कितने सारे लोग ऐसे हैं, जबकि मैंने आप लोगों को मना भी किया था कि आप अपनी प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन के अंदर ये नहीं लिखना है कि आपका नाम क्या है, आप कौन से मुल्क से हैं, आपके पास कौन सी डिग्री है, बल्कि आपने वहाँ पर ये लिखना है कि आपके पास कौन सी स्किल है, वो स्किल किस तरह से दूसरे लोगों की हेल्प कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपने बिजनेस प्रपोजल में लिखना शुरू हो गया, हेलो मेरा नाम अहमद है, मैं पाकिस्तान से हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, लेकिन मैं तुम्हें आप फैशन के ऊपर आर्टिकल लिख कर दे दूंगा, तो इससे टॉम को कोई गर्ज नहीं है. मैंने आपको पहले भी कहा था, टॉम को सिर्फ ये गर्ज है कि आपको क्या आर्टिकल राइटिंग या आपको वो काम करना आता है जिसके लिए वो आपको हायर करना चाहता है. उसे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आप कौन से मुल्क में रहते हैं, आपका नाम क्या है और आपने किस चीज़ की डिग्री ली हुई है. ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप टू द पॉइंट ही रहकर बात करें. आप खुद इस बात को सपोज कर लें कि जब आपको कोई लेंथी ईमेल आती है तो आप डेफिनेटली उसको नहीं पढ़ते होंगे, या अगर ज़्यादा ज़्यादा पढ़ भी लेते होंगे तो मोटे मोटे पॉइंट्स पढ़ लेते होंगे. या इसी तरह अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, कोई न्यूज़ पढ़ने जाते हैं इंटरनेट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कोई बंदा न्यूज़ शेयर करता है या कोई वीडियो शेयर करता है, हार्डली बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो पूरी वीडियो देखते हैं या पूरा आर्टिकल पढ़ते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, जो मेन वर्ड्स होते हैं या हेडिंग्स होती हैं उसकी बेस के ऊपर अंदाजा लगा लेते हैं कि इस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है. ठीक है, इसी तरह अगर आप बहुत लेंथी बिजनेस प्रपोजल लिखेंगे तो आपका क्लाइंट जो है वो वही पढ़ता रह जाएगा और सुबह से शाम हो जाएगी. ठीक है, बिल्कुल आपने अपनी तारीफ नहीं करनी है, बल्कि आपने अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम्स हैं उसको यहाँ पर डिस्कस करना है. ठीक है, थोड़ा सा बिजनेस प्रपोजल के ऊपर आज का लेक्चर था. बिजनेस प्रपोजल जो है मैं आपके साथ एक शेयर भी कर दूंगा लिखकर. ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे फटाफट से कैनवा के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैनवा आप लोगों में से भी कई सारे लोग हैं लोगों ने बहुत खराब इमेज डिज़ाइन किए हैं. ठीक है, तो ऐसा मत करें और हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन में आपको एक बहुत सिंपल सा डिज़ाइन करें. जरूरी नहीं है कि आप इतने ज़्यादा उसके अंदर क्या कहते हैं कलर डाल दें या बहुत ज़्यादा टेक्स्ट डाल दें, सिंपल जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है. तो मैं यहाँ पे आपके साथ एक फाइवर के गिग का जो है इमेज डिजाइन करके आपको दिखा देता हूँ. और मैं आपको ये बता दूं कि ग्राफिक जितनी ज्यादा सिंपल होती है ना वो उतनी ही ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं. वो वाला जमाना चला गया, वो पिछला जमाना था जब बहुत ज्यादा कलरफुल चीजों को लोग पसंद करते थे. अब लोग जो है वो सिंपल चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं.
ठीक है, मैं आपके साथ एक छोटा सा सिंपल सा जो है एक डिजाइन करके आपको दिखाता हूँ, और आप इन चीजों को ध्यान करते हुए अपना नेक्स्ट जो है क्या कह सकते हैं गीक का जो है वो यूज। अच्छा, आप में से काफी सारे लोग हैं वो यहाँ से ना प्राइवेट पेड चीजों को यूज कर लेते हैं। आपने जब भी इमेज सेलेक्ट करना है तो आपने इंश्योर करना है कि उसके साथ फ्री लिखा हुआ, ये देखें ये फ्री लिखा हुआ है छोटा सा। अपने कंप्यूटर पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे फ्री लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है। मैं यहाँ पे आपके साथ एक सिंपल सा बैनर डिजाइन करता हूँ, और अगेन से देखिए मैं लेक्चर ले रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ एक अट्रैक्टिव सा इमेज सर्च करने में। ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के जो सामने चीज नजर आई बस उसको उठा के यहाँ पे डाल दिया। टाइम, जब तक आप अपने गीत के ऊपर टाइम नहीं लगाएंगे तो अगला बंदा आपके गीत को आपको हायर नहीं करेगा। वो कहेगा इसने अपने गीत को इतना खराब तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ये मेरी सर्विस को क्या खास बस ठीक तरह से रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करें, अपने गीत के ऊपर टाइम लगाएं, उसको उसको दयानतदारी से और बहुत खूबसूरत सा डिजाइन करें। अब मुझे यहाँ पे कोई इतना इंटरेस्टिंग नजर नहीं आ रहा है बैकग्राउंड, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, कलर नहीं भी कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर मैं इसी की तरफ चल जाता हूँ, थोड़ा सा बेहतर लग रहा है मुझे। मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, मैं एलिमेंट्स में आ जाता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, आप में से काफी सारे लोग हैं उन लोगों ने क्या किया है, उन्होंने फोटोज यूज किए नहीं है, इस तरह की फोटोज, यानी कि कंप्यूटर लेके बंदा बैठा हुआ है, इस टाइप की चीजें यूज की नहीं है। आप कोशिश करें कि इस टाइप की चीजें यूज करने की जगह एलिमेंट्स को यूज करें। ठीक है, एलिमेंट्स जो है वो ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डेटा एंट्री से रिलेटेड कुछ चीज सर्च कर लेता हूँ। डेटा एंट्री से रिलेटेड फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे हम लोग देख भी लेते हैं कि फाइवर के ऊपर डेटा एंट्री से रिलेटेड किस टाइप के इमेजेस हैं वो लगे हैं। ये सब फ्री नहीं है, इनमें से कुछ फ्री हैं। डेटा एंट्री या विर्चुअल असिस्टेंट से लेकर मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ कि लोगों ने किस टाइप के जो है वो लगाए हुए हैं। अच्छा, आमतौर पे लोगों ने अपनी पिक्चर्स भी लगाए हुए हैं, तो अगर आप लोग चाहें तो अपनी पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं। फ्री वाले सिर्फ आपने फ्री वाले इमेजेस उठाने हैं, और फ्री वाले इमेजेस बहुत लिमिटेड से होते हैं। ये हम लोग एक और देख लेते हैं, हम लोग पार्टिकल लाइटिंग के लिए ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे सारी ऑप्शंस आती रहेंगी, आप इनको यूज कर सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इमेज भी उठाएं, आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि इधर किसने बनाया हुआ है। ठीक है, आप क्या लिखें, वर्चुअल असिस्टेंट लिखें, क्या आप वर्चुअल असिस्टेंट का सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। अगेन से मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बैकग्राउंड इतना अच्छा सिलेक्ट नहीं किया है, लेकिन अगर आप लोग करें, आप लोग बना रहे हैं, तो आपने क्या करना है, बैकग्राउंड जो है वो ज़बरदस्त किस्म का सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज के नाम लिखना शुरू कर दें, जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल किसी गिग से उठा लेता हूँ, यहाँ से 5 रुपये उठा लेता हूँ। डेटा एंट्री हो गया, डेटा माइनिंग हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया, डेटा एंट्री जॉब हो गया, रिसर्च हो गया, डेटा स्क्रैपिंग हो गया, इंटरनेट रिसर्च। ठीक है, मैंने क्या किया है, सबको टेक्स्ट को साइड पर किया, इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ताकि ज़रा एक तरतीब आए। ठीक है, आप लोगों ने से किस लोगों ने जो गिग बनाया है उसके अंदर प्रॉपरली तरतीब भी नहीं आ रही, तो कुछ करें पूरे एक लाइनिंग में हर चीज़, ताकि वो रिप्रेजेंट जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन करेंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा अगले बंदे को देखने में कि इसमें ज़बरदस्त किस्म का। ठीक
करते हैं वो गिग बनाना। ठीक है, इसके अलावा मैं दोबारा से फिर उठा देता हूँ और यहाँ पर मजीद 5-6 सर्विसेज का नाम ले लेता हूँ, ऐसी चीज़ को दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये सामने नजर आ रहा है, देखिए मैं सिर्फ आपको ऑनलाइन लेक्चर दे रहा हूँ, आपको समझाने के लिए मैं कितना ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ एक अच्छा सा इमेज डिज़ाइन करने में ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए आपने भी इसी तरह से अच्छा सा इमेज क्रिएट करना है। ठीक है, आप इस तरह से भी एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं, अभी बिल्कुल बेसिक से। आप क्या करें, इसको मजीद अट्रैक्टिव करने के लिए नीचे जो है मजीद जो है आइकॉन्स लगा सकते हैं आप लोग अगर चाहें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे MS ऑफिस। अच्छा, और आप में से जितने लोगों ने अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाई है वो अपनी अटेंडेंस लगा लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका आइकॉन लगा लिया है, यहाँ पे आप लोग आइकॉन के एक लाइन दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा हो सकता है, एक्सेल का लगा सकते हैं। और अगेन से अगर आपको यहाँ पे कोई इमेज ना मिले तो आप उसको इंटरनेट से सर्च करके भी लगा सकते हैं, जैसे कि लोगोस वगैरह, लोगोस वगैरह लगाना जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ठीक है, इसमें से फॉर एग्जांपल मैं इसका लोगो भी लगा लेता हूँ। इसके बाद एमएस वर्ड का लोगो लगा लेता हूँ, ये आपको थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने अच्छे इमेजेस डिज़ाइन नहीं किए हुए हैं और सादा जो इम्पोर्टेंस होती है वो इमेज की ही होती है। ठीक है, इसी तरह आप लोग जो भी लगाने हैं आप लोगों ने, आप इस तरह से मुख्तलिफ साइन लगा सकते हैं। अगेन से अभी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बड़े इमेजेस हैं, इनको छोटा करना चाहिए ताकि प्रॉपरली नजर आए। ठीक है, डेटा से रिलेटेड कोई भी आपको लगता है कि ये वाला इमेज जो है आपके आपके गिग से रिलेटेड है तो आप उनको यहाँ पर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डेटा एंट्री से रिलेटेड भी आ गया एक इमेज हमारे पास। इस तरह से आपने एक अच्छी सी लाइन बना देनी है और मुख्तलिफ उसके साथ, और ताकि अगला बंदा जो है उसको पता चल जाए कि आपकी एक्सपर्टीज किसकी चीज में। ठीक है जी, सबको समझ आ गई है। इमेज का साइज मैंने ये जब इमेज डिज़ाइन करना शुरू किया था उससे पहले बताया था, आप गूगल करेंगे ना फाइवर इमेज साइज तो आपको पता चल जाएगा कि इमेज का साइज कितना होता है। मुझे खुद याद नहीं है क्या, मैंने खुद अभी आप लोगों के सामने गूगल किया। ठीक है, इस तरह से आप एक अच्छा सा इमेज बना सकते हैं। अगेन से ये इमेज मैंने अभी भी बनाया है तो मुझे खुद इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, लेकिन अगर मैं अपने गिग के ऊपर इसकी को इमेज को लगाऊंगा तो मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करूंगा, मैं बेहतर फॉन्ट यूज करूंगा, मैं बहुत बेहतर इमेजेस वगैरह यूज करूंगा ताकि मेरा जो गिग है वो बहुत जबरदस्त किस्म का नजर आए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस लाइन को भी यहाँ पर शायद लगा लूँ और इसका कलर जो है वो वाइट कर दूँ ताकि इंटरेस्टिंग सी नजर आए। ठीक है, बल्कि लाइन अच्छी नहीं लग रही है, ये वाली लाइन लगा दूँ और इसको वाइट कर देता हूँ मैं कलर को और इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे किसी ने गिग का साइज भी बताया है तो आप उसको नोट डाउन कर लें, किसी स्टूडेंट ने लिखा है। ठीक है, यहाँ से आपके सामने रफ अगेन से रफ सा बनाया है, 550x370 क्या कहते हैं आपके गिग का साइज है, तो इस तरह से इमेज का साइज है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। आपने क्या करना है, ऐसा नहीं करना है कि बस ऐसे उतार दें, अगेन से बता रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोगों को पता होगा कि आप जब YouTube के ऊपर जाते हैं आप कुछ कोई वीडियो सर्च करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी आपको वीडियोस नज़र आती हैं, आप उनमें से कौन सी वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं जिसका इमेज आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ऐसी बात है ना, सेम इसी तरह जब एक बंदा फाइवर के ऊपर आता है और यहाँ पे उसको गिग्स नज़र आते हैं तो वो हर गिग को ओपन नहीं करता बल्कि वो उस गिग को ओपन करता है जो कि उसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे लोगों ने अपनी इमेजेस भी डाले हुए हैं तो आप लोग अपना इमेजेस वगैरह भी डाल सकते हैं, इससे आपका जो गिग का जो कवर फोटो है वो मजीद क्या हो जाता है, पर्सनलाइज हो जाता है। आप कैनवा से लोगो डिजाइन भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप लोगो डिजाइन ना करें, क्योंकि जब लोगो डिजाइन करते हैं उसके अंदर आपने सोर्स फाइल देनी होती है और कैनवा से आप सोर्स फाइल डाउनलोड नहीं कर सकते।
ठीक है, इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे भी जगह खाली है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास जगह खाली है तो मैं यहाँ पर भी कुछ डाल दूंगा। मैंने इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नहीं करना है, बल्कि सिंपल सिंपल चीज़ बनानी है, ताकि मैंने आपको बताया कितना सिंपल होता है उतना ही खूबसूरत होता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। कैनवा के ऊपर किस तरह से इमेज करना है, अगेन से मुझे इसका बैकग्राउंड अभी भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है, तो शायद मैं इसको चेंज करूँ। ठीक है, शायद मैं ये वाला बैकग्राउंड कर लूँ, बल्कि ये वाला बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर रीडिंग ज़्यादा अच्छी हो रही है। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों के ऊपर टाइम लगाना है, ताकि पता चले कि आपने काम के अंदर वाकई में इंटरेस्टेड है। ठीक है, बल्कि ये वाला कलर देखें, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, इसके ऊपर टेक्स्ट भी पढ़ा जा रहा है, फॉन्ट भी पढ़ा जा रहा है। ठीक है, इतना से आप कर सकते हैं। खालिद मंसूर, क्या आपने लेक्चर ही शुरू से स्टार्ट नहीं किया है? अभी जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो उसके अंदर बताया था कि साइज कहाँ से सिलेक्ट होता है। चलें, चाहिए एक मिनट, मैं आपको एक और दूसरा इमेज डिज़ाइन करके दिखाता हूँ। जब आप क्रिएट डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास साइज सेट करने की ऑप्शन आती है कस्टम डायमेंशन में। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको एक और इमेज कर डिज़ाइन करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 800x800। ये मैं आपको एक अलग से इमेज डिज़ाइन करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप फाइबर के ऊपर जो है कोड से रिलेटेड जो है गिग लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे गिग दिखाए भी थे मुख्तलिफ QOT4, ये वाला गिग भी दिखा देता हूँ कि आप इस टाइप के गिग्स यहाँ पर लगा सकते हैं और इनको सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कौन सा उठाएं, कौन सा उठाएं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला उठा लेते हैं। ठीक है, अगर आपने कोड से रिलेटेड बताना है तो यानी कि इसके अंदर ये क्या कर रहा है, 150 इंस्पायरिंग कोड्स जो है वो सेल कर रहा है। अगर आपने 150 जो है कोड्स डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आमतौर पे 800x800 होता है। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज उठाएंगे, कोई अच्छा सा फोटो उठा लेंगे फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फोटोज नज़र आ रही हैं, इन केस अगर आपने यहाँ से कोई फोटो नहीं उठानी है तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग मैंने 2-3 वेबसाइट्स के नाम दिए थे आपको आज से 3-4 लेक्चर पहले, आप उन वेबसाइट से भी इमेज उठा सकते हो, जिसके अंदर pixels.com था और फ्री पिक के नाम से कुछ था। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोड डिज़ाइन कर रहा हूँ इस चीज़ से रिलेटेड, तो मैं क्या करूँगा, इसको ज़रा नज़दीक बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, और इसके अंदर मैंने कोड लिखनी है तो मैं क्या करूंगा, इंटरनेट के ऊपर जाऊंगा और लिखूंगा रिलेशनल कोड। ठीक है, ये ऐसी रैंडमली आपको डिजाइन करके दिखा रहा हूँ, ये किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे फॉन्ट के ऊपर आता हूँ और इंटरेस्टिंग सा कोई फॉन्ट उठाता हूँ, अगर मुझे कोई अच्छा लग रहा है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये कुछ बेहतर लग रहा है। ठीक है, वैसे तो ये भी अच्छा लग रहा है, हैप्पी हेलो डे। इस तरह से करके आप इमेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि इस बंदे ने गिग लगाया हुआ है आप भी लगा सकते हैं, या अगर आपने खुद से करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं योर इमेजिनेशन। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे कोट आपके सामने डिजाइन की है। ठीक है, जैसे कि इस बंदे ने क्या लगाया है 150 इंस्पायरिंग मोटिवेशनल कोर्स, वो इस तरह के 150 इमेजेस उसने एक बार बना लिए हैं, उसको जो भी बंदा ऑर्डर करता है वो सबको यही सेम जो है कोर्स जो है वो सबके साथ वो शेयर करता है। ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ पे कोर्स वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। मैंने आपके साथ एक छोटी सी एग्जाम्पल शेयर की है, समझ आ गई ये बात आप सब लोगों को। ठीक है, ये तो आपके सामने भी फटाफट से डिज़ाइन कर रहा हूँ, आपको भी अच्छा फॉन्ट मिले तो आप उसके साथ जा सकते हैं। ये सिर्फ आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल करके दिखाई थी कि किस तरह से कर सकते हैं, ये कुछ बेहतर लगा। ठीक है, तो आप इस तरह से मज़ेदार सा बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आजकल ईद वगैरह भी आ रही है, तो अगर आपने ईद कार्ड बनाना है तो आप ईद क्रिएटिंग
ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल बताओ, पीछे जो है बैकग्राउंड कलर जो है वो आप डिफरेंट फिर सिलेक्ट करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे, कुछ चीज से रिलेटेड कर लेंगे। हाँ तो अब आपके पास क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करते हैं हम लोग, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। अगेन से बता रहा हूँ, इस तरह की गिग्स कराना बहुत ज़्यादा आसान है, सिर्फ आपको एक दफ़ा बैठ के मेहनत करनी पड़ती है, इमेजेस क्रिएट करने पड़ते हैं, उसके बाद क्या होता है आप हर बंदे को सेम वही वाला इमेज जो है वो बार बार सेंड करते रहते हैं। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, वहाँ पास क्वेश्चन या आंसरिंग का जो सेशन है वो शुरू हो रहा है, इसमें क्वेश्चन आंसर शुरू कर रहे हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप में से किसने अटेंडेंस नहीं लगाई है तो अपनी अटेंडेंस लगा लें, ठीक है, अटेंडेंस लगाना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको ये बता दूं कि आपकी 22 मई से 27 मई तक जो है वो क्लास छुट्टियाँ होंगी, आपकी फिर क्लास जो है वो 28 मई को होगी। सबसे पहले ठीक है, उसके अलावा आपके यहाँ पे स्टेटस लिखा हुआ आता रहता है कि आप में से कौन लोग जो है अटेंडेंस लगा रहे हैं, कौन लोग अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। जैसे कल यहाँ पे रहीम या खान के स्टूडेंट्स के नाम आए थे जो लोग अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका नाम यहाँ पे गलती से आया हुआ है तो आप अपने लैब मैनेजर को कॉल करके उनके साथ ही मसला डिस्कस कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों की क्वेश्चन चेक कर लूँ, हुआ तो स्क्रॉल डाउन कर सकता हूँ। सर कैमरा पे क्या क्वेश्चन है? सर कैमरा पे बिजनेस कार्ड वगैरह सर्विस रिलेटेड यूज करते हैं? बिल्कुल, कैमरा पे ऊपर जितनी भी चीज़ें आप उनको कर सकते हैं, और आपने अपने गिग के अंदर मेंशन करना है कि आप सोर्स फाइल प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप वहाँ पे सोर्स फाइल प्रोवाइड नहीं करेंगे अगर आप कोई चीज़ कैमरा से डिज़ाइन कर रहे हैं। उसके बाद क्या बात आ जाती है, उसके बाद आ जाती है सर आप अच्छा सर कैमरा अगर दे रहा है ओपन नहीं हो रहा। अच्छा एक बात बता दूं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आया है फेसबुक यूजर का कि कैनवा एरर दे रहा है ओपन नहीं हो रहा, तो आपके बता दूं आप जब भी इस तरह कोई भी क्वेश्चन किया करें मुझसे, तो याद रखें हमेशा मुझे उसका साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया करें। जब तक आप मुझे साथ स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करेंगे मुझे नहीं पता चलेगा कि क्या एरर है और क्या मसला आ रहा है, ठीक है। तो मैं अभी क्वेश्चन की पोस्ट क्रिएट करूंगा, उसके अंदर आपने इसका ये जो आपके पास एरर आ रहा है इसका स्क्रीन शॉट मेरे साथ शेयर करना है, ताकि मुझे पता चल सके कि क्या एरर आ रहा है। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा सैंपल वर्क दें, आमतौर पे बहुत कम लोग होते हैं जो सैंपल मांगते हैं, लेकिन अगर आप ये वर्ड लिख देंगे सैंपल का तो डेफिनेटली वो एक अट्रैक्टिव चीज़ आ जाती है। सर ऑर्डर पे हम काम नहीं, आप कभी भी ऑर्डर पे पहले एडवांस में काम नहीं करेंगे जब तक वो बंदा ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा, आप उसको काम करके नहीं देंगे, ठीक है। अगर एक बंदा कह रहा है मैसेज करके कि ये काम है मुझे काम कर दो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तो आपने काम नहीं करना है उसको, आपने उसको कहना है कि आप ऑर्डर प्लेस करें, जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा फिर आपने काम शुरू करना है। सर अगर हमारा आर्टिकल क्लाइंट को पसंद ना आए, अगर आपका ऑर्डर क्लाइंट को पसंद ना आए तो उसमें दो तीन चीज़ हो सकती है। अगर आपने किसी और का कॉपी पेस्ट करके दे दिया तो डेफिनेटली क्लाइंट आपको रिपोर्ट कर सकता है और आपकी फेसबुक की आपकी फाइवर की प्रोफाइल रिमूव हो सकती है। इन केस ये हो सकता है कि क्लाइंट को आपका आर्टिकल स्टाइल पसंद नहीं आ रहा है, तो आप इस सूरत हाल में क्या करें, अच्छा सब लोग यहीं पे रुक जाएं। फॉर एग्जांपल अगर आप आर्टिकल राइटिंग की सर्विस ऑफर कर रहे हैं और आपको ये डर है कि आखिर में क्लाइंट को आपका आर्टिकल पसंद नहीं आएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको ऑर्डर शुरू करने से पहले 10-15 वर्ड जो है एज अ सैंपल लिख कर दे सकते हैं, ताकि उसको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आपका राइटिंग स्टाइल क्या है, ताकि वो आपको शुरू में बता दे कि उसको आपका काम पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। सर गिफ्ट ड्राफ्ट में शो हो रहा है कि क्यों नहीं, आपका गिफ्ट ड्राफ्ट में इसलिए शो हो रहा है क्योंकि आपने उसको अभी तक पब्लिश नहीं किया, उसको पब्लिश करेंगे तो पब्लिश हो जाएगा। बिल्कुल, अगर आप जितने भी टॉपिक्स हैं उनको बना सकते हैं। अच्छा एक चीज यहाँ पे अगेन से बताता हूँ कि आप 10 डिफरेंट गिग्स लगाएं और 10 रिलेटेड गिग्स लगाएं, ठीक है। यहाँ पे दो सिनेरियो है पास कि अगर आपके पास 7 गिग लगाने की ऑप्शन है तो सारे एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए कि सारे एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, तो कोशिश करें कि आप जो गिग लगा रहे हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हो, ऐसा ना हो कि
एक गीगा आपने ग्राफिक डिजाइनिंग का लगा लिया, दूसरा गीगा आपने फॉर एग्जांपल डेटा एंट्री का लगा लिया, या तीसरा गीगा आपने आर्टिकल राइटिंग का लगा लिया। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप जितने भी गीग्स लगा रहे हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हो, इससे आपकी जो फाइवर की प्रोफाइल है वो ज़्यादा बेहतर सर्च रिजल्ट के अंदर शो होती है। सर बाय रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, अभी तक तो कोई शो नहीं हो रही। बाय रिक्वेस्ट जो है, जब आप एक गिग बना लेते हैं तो उसके तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद शो होती है। अगेन से जरूरी नहीं है कि आप जिस टाइम ऑनलाइन हो उसी टाइम शो हो, उसका कोई टाइम नहीं है, उसको आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद खुद से चेक करते रहना है कि इस वक्त आपको बाय रिक्वेस्ट शो हो रही है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा बाय रिक्वेस्ट हो तो आप क्या करें, एक से ज़्यादा गिग लगाएं, जितने ज़्यादा गिग्स होंगे उतनी ज़्यादा बाय रिक्वेस्ट आपको नजर आएंगे। ठीक है, ऐसे सेल कैसे होंगे, आप ऐसे, आपको एक बंदा कहेगा कि मुझे ऐसे लिख कर दे दो, आप उसको ऐसे लिख कर दे देंगे, सेल हो जाएगा। बिल्कुल, कंटेंट राइटिंग के रूल्स वगैरह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब हम लोग, मैं आपको वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि वेबसाइट के लिए कंटेंट कैसे लिखते हैं, आर्टिकल कैसे लिखते हैं, मुख्तलिफ बहुत तकरीबन 10 किस्म के डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स हैं, मैं आपके साथ सारे डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ईद के अंदर, ईद की छुट्टियों के अंदर आप लोग क्या करें, आपके पास जो खुद की स्किल्स मौजूद हैं आप उनको ट्राई करें सेल करने की, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आपको पता चले कि आपने जो 16 साल तालीम हासिल की है वो बेकार नहीं गई है, बल्कि आप उनको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, वो उससे रिलेटेड वहाँ पे आर्टिकल लिख कर दे सकते हैं, इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड चीज़ें वो उससे रिलेटेड लगा सकते हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो स्टूडेंट हैं वो उससे रिलेटेड गिग लगा सकते हैं। सिर्फ मकसद ये है आपको अभी तक इस चीज़ के ऊपर फोकस करने का कि आप अपनी स्किल्स सेल करें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, थोड़े से आप सीखें फाइबर को भी किस तरह से वहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, असर राजपूत ने पूछा कल छुट्टी है, तो आई थिंक ये मैं बहुत काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि आपकी 22 मई से कब तक, 27 मई तक छुट्टी है। ठीक है, फिर दोबारा पूछने की क्या वजह है। असर बाय रिक्वेस्ट समझ रही है, बिजनेस प्रपोजल कैसे हैं, बाय रिक्वेस्ट को ही बिजनेस प्रपोजल कहते हैं, ये मैंने टॉप के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, सर अगर क्लाइंट को हमारा काम अच्छा ना लगे तो इसके हिसाब से, अगर आप किसी भी नए क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो हमेशा कोशिश करें कि उसको पहले फ्री का एक सैंपल करके दे दें, 5-6 वर्ड का थोड़ा सा करके दे दें, ताकि उसको वहीं से ऑर्डर पता चल जाए कि आप उसके काम कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सर अगर हमारा लिखा हुआ आर्टिकल क्लाइंट, ये मैंने इसका आंसर दे दिया पहले शायद। सर हर गिग के लिए, बिल्कुल हर गिग के लिए अलग टाइटल होगा, अलग पिक्चर होगी, अलग डिस्क्रिप्शन होगी, सब चीज़ें अलग अलग होगी हर गिग के लिए। ऐसा नहीं है कि एक ही गिग के अंदर आपने 10 सर्विसेज को बयान करना शुरू कर दिया। अच्छा जी, इस रिलेटेड टेस्ट के रीटेक टेस्ट के बावजूद ही नहीं बच रहा, अगर आपने टेस्ट दिया है, अगर आप उसमें फेल हो गए हैं तो आपका गिग पब्लिश नहीं होगा, आपको दोबारा 10 या 15 दिन के बाद दोबारा टेस्ट दे सकते हैं। और मैंने कल के लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल के अंदर बताया था कि अगर आप टेस्ट नहीं देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सब कैटेगरी के अंदर कोई ऐसी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर टेस्ट वो नहीं मांगता है, एक बार जब गिग पब्लिश हो जाएगा तो फिर आप अपनी रिक्वायर्ड कैटेगरी दोबारा से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इस तरह करके अपने गिग को कल पब्लिश भी कर दिया था, उन्होंने बताया भी था कि उस तरह से वो हो गया। तलत सज्जाद, आप हमें बताएं लिख कर कि कल क्या लेक्चर होगा या नहीं होगा। कोरल ड्रा पे लोगो बना सकते हैं, अगर कोरल ड्रा आपको आती है तो आप बना लें। हम यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल आप बनाकर यूज़ कर सकते हैं। सर चेक माय गिग, अभी मैंने किसी का गिग चेक नहीं किया है। सर हम कैनवा पे पिक सेल कैसे कर सकते हैं, आप कैनवा के ऊपर कोई सेल पिक्चर सेल नहीं कर सकते हैं, बल्कि यहाँ से डिज़ाइन करके आप फाइवर के ऊपर सेल कर सकते हैं। जैसे कि भी मैंने आपको मोटिवेशनल कोर्स के इमेज दिखाए थे कि वो किस तरह से सेल हो रहे हैं, जैसे आपने कहा। असलम अहमदानी, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप दोबारा से पूछें। इफ फेल्ड इन फाइवर टेस्ट, इफ पब्लिश नहीं, आपको अगर गिग पब्लिश करना है तो आपको टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, और मैंने आपको कल बताया था, और बिल्कुल मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया है कि आप टेस्ट को किस तरह से स्किप कर सकते हैं।
असलम हमदानी, आप अपना पूरा क्वेश्चन एक ही सेंटेंस में लिखें, एक एक वर्ड में ना लिखें, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है सर, ई रोजगार पर दोबारा लॉगिन नहीं हो रहा, और अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है पोर्टल से रिलेटेड तो आप अपने लैब मैनेजर को कॉल करें, इसी से रिलेटेड मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। ठीक है, वी पब्लिश के लिए टेस्ट मांग ले रहा है अहमद सिद्दीकी, मैंने अभी बताया कि किस तरह से स्टेप टेस्ट को स्किप करना है, और टेस्ट जो है ई रोजगार सॉरी फाइबर के कोई इतने मुश्किल नहीं है, सारे जो आंसर हैं वो आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। जगह एक ही आर्टिकल की डिमांड की है और हम सबसे पहले उसे दे देंगे सर, सर क्लाइंट ने 10 जगह एक ही क्लास, हाँ तो आप दे दें, वैसे भी आपको क्वेश्चन इतना समझ नहीं आया। सर मेरा बैकग्राउंड पसंद नहीं हो रहा आर्टिकल के लिए, चेंज हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है चेंज। सर हम आर्टिकल गूगल से लेंगे? नहीं आप आर्टिकल गूगल से नहीं लेंगे, आप आर्टिकल खुद लिखेंगे, अगर आपको आर्टिकल लिखना नहीं आता तो आप उसका लिखना होगा। और वैसे भी मैंने बताया कि अगले वीक में आपको बताऊंगा कि आर्टिकल हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं बगैर किसी मेहनत के। सर कल फाइनेंस पे अप्लाई किया था एटीएम के लिए तो शाम को ईमेल आई थी कि आपने अपना आईडी कार्ड सेंड किया है, वो मैच नहीं हो रहा कि आईडी स्मार्ट नहीं, आपने जो आर्टिकल आईडी कार्ड नंबर हो सकता है आपने गलत लिखा हो, आपने सेम वही वाला आईडी कार्ड सेंड करना है जो आपने नंबर टाइप किया है, और वो स्मार्ट कार्ड नहीं होना चाहिए, आपका जो स्कैन कॉपी जो है ना वो प्रॉपरली होनी चाहिए, हो सकता है आपकी स्कैन कॉपी या आपने जो फोटो ली है वो इतनी अच्छी ना हो कि उनसे पढ़ा ना जा रहा। यह मैंने बताया तो है कि अगर आपने टेस्ट फेल कर दिया तो आपका अभी पब्लिश नहीं होगा, आप टेस्ट को स्किप कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? आप सबके मेन कैटेगरी तो वही सिलेक्ट करें जिसके अंदर आपने गिग पब्लिश करना है, आप सब कैटेगरी को चेंज कर लें, ऐसी सब कैटेगरी सेलेक्ट करें जिसके अंदर वो आपसे टेस्ट नहीं मांग रहा है। एक बार जब आपका गिग पब्लिश हो जाए तो आप अपनी कैटेगरी को एडिट कर सकते हैं टेस्ट वाली कैटेगरी के अंदर, तो फिर वो आपसे टेस्ट नहीं मांगेगा। This is love. टेस्ट वाला आंसर मैंने बहुत दफा बता दिया आई थिंक। यार एक दफा इतने सारे क्वेश्चन बार बार क्यों कर रहे हो? डायरेक्ट शो नहीं होगा सर, ये क्वेश्चन मेरे समझ नहीं आ रहा। सर हम आर्टिकल गूगल से ले सकते हैं? आप आर्टिकल गूगल से नहीं ले सकते सरिंग अकाउंटिंग बिल्कुल, आपको जो स्किल आती है आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते हैं आप उससे रिलेटेड बना सकते हैं। ठीक है, अभी मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि आपके पास सेलिंग की स्किल्स हैं या नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद नजम सिद्दीक ने बहुत दफा एक ही क्वेश्चन बार बार किया हुआ है। सर कस्टम ऑफर में हम सिर्फ अपने गिग रिलेटेड ऑफर ही बना सकते हैं या डिफरेंट भी लगा सकते हैं कि मैंने गिग ऑफर? कस्टम ऑफर के अंदर जरूरी नहीं है कि आप गिग रिलेटेड लगाएं, आप कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, आमतौर पे जो कस्टम ऑफर के अंदर ऑफर सेंड करते हैं वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती है। सर बाय रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही, बाकी गिग पब्लिश हो गए, अभी मैंने बता दिया बाय रिक्वेस्ट कब और कैसे शो होंगी, और वैसे मिनट में शो नहीं हो जाती, वो 24 घंटे शो नहीं होती हैं, तो स्पेसिफिक टाइम पे शो होती है, मैंने कल आपको टाइम भी बताया था, अगेंस्ट जरूरी नहीं है कि उसी टाइम पे शो हो। सर जैसे कि यहाँ पे इस टाइप के दूसरे सॉफ्टवेयर हैं जो कार कोर्सानों के लिए सर फ्री सॉफ्टवेयर से गवर्नमेंट पेमेंट भी करे थे, जैसे उसको पेमेंट करनी हमें स्पेशल कोई, मुझे इस चीज़ से नहीं, मुझे अली रजा मुझे इसका नहीं पता, हमारे पास कोई फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, जितने भी मेरे हमारे ऑनलाइन यूज होंगे वो जो वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। बिल्कुल टॉक टू योर लैब मैनेजर प्लीज। वीडियो पर आकर फिर किसको गाइड कर रहे हैं? अच्छा आप किसी को गाइड कर रहे हैं फेसबुक यूजर को जिनका नाम यहाँ पर शो नहीं हो रहा। सर क्लाइंट सो क्वेट वाला काम कर दिया और उसने पे किया है और दूसरों को भी, बिल्कुल आप जो सो क्वेट्स आपने डिजाइन की है आप वही वाली सो कोड हर बंदे को वही सेंड करेंगे। ठीक है, अगर कोई बंदा कहते हैं कि नहीं मुझे वो वाली नहीं चाहिए, मुझे भी आप डिफरेंट डिजाइन करें, तो आप उससे फिर एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेंगे। हम आर्टिकल राइटिंग नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे अगेन। वैसे तो आर्टिकल राइटिंग हमें पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा सुस्त हैं, मुझे नहीं पता कि ये वाला बैच इतना सुस्त क्यों है, ये मेरा नोवा बैच है और मैंने अभी तक रियलाइज किया है कि आप लोग बहुत ज्यादा सुस्त हैं।
बहुत ज़्यादा बेसिक बेसिक चीज़ें आप लोगों को बतानी पड़ती हैं। आई डोंट नो क्यों, ऐसी वजह क्या है, या तो आप लोग डरते हैं कोई काम करने से, फॉर एग्जांपल कि फ़लाँ जगह पे क्लिक ना हो जाए, फ़लाँ जगह पे क्लिक ना हो जाए। भाई जब तक आप उसको ट्राई नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि वो काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, आपके पास तकरीबन हम लोगों ने 2 वीक लगा ली है फाइबर के ऊपर। आमतौर पर जो हमारी फाइबर की क्लास होती है वो हार्डली 2 दिन की होती है, या मैक्सिमम 3 दिन की होती है। इससे ज़्यादा हम लोग फाइबर के ऊपर काम नहीं करते हैं। लेकिन ये पहला बैच है जिसके ऊपर हमें तकरीबन 2 वीक तो लगे ही है ना, हम शुरू दिन से फाइबर को ही पढ़ रहे हैं। और अभी तक आप में से इतने सारे लोगों ने अकाउंट नहीं बनाए हैं, उन्हें गिग लगाना नहीं आया है, उन्हें बाय रिक्वेस्ट का पता नहीं चल रहा है, उन्हें गिग का इमेज क्रिएट करना नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसी तरह रहे तो हमारा कोर्स जो है वो इधर ही लटका रहेगा। और डेफिनेटली अभी मैं आपके ऊपर, अभी हम लोग बहुत आहिस्ता आहिस्ता ऐसे भी चल रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। कल के बाद हमारे पास से जब यहाँ से स्टूडेंट डीन रोल हो जाएंगे, जिन लोगों ने यहाँ पे अटेंडेंस नहीं लगाई है या क्लासेस अटेंड नहीं की हैं, तो डेफिनेटली मैं भी फिर क्लास को प्रॉपरली स्पीड से लेकर चलूंगा। फिर मैं आपकी छोटी छोटी सी जो बातें हैं कि लॉग इन कैसे करना है, सेलर कैसे बनना है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, इनको डेफिनेटली मैं आपके इस तरह के क्वेश्चन को नहीं लूंगा, क्योंकि ये बहुत बचकाना किस्म के क्वेश्चन है। आप लोग खुद से, आई डोंट नो क्यों नहीं ट्राई करते हैं, आप खुद से भी ट्राई करें चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लोगों ने मोबाइल परचेज किया था तो ज़रूरी नहीं था कि आपको मोबाइल शुरू में चलाना आ गया था, आपने उससे थोड़ी सी पंगेबाजी की थी, उसको ख़राब किया था, फिर ही आपको चलाना आया था ना मोबाइल। इसलिए चीज़ों को ट्राई करें, फाइबर को ट्राई करें, वहाँ पे बहुत से फीचर्स हैं, उनको एक्सप्लोर करें। जब तक आप उनको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि फाइबर किस तरह से वर्क करता है। सर, फाइनल कार्ड के लिए न्यूली अटैच कार्ड क्या सेंड करना है? हाँ जी, आईडी कार्ड सेंड करना है। आईडी कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी सेंड कर सकते हैं, पासपोर्ट की कॉपी भी सेंड कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एवरीथिंग इज न्यू, स्पेशली जो हम लोग बात करते हैं नॉन टेक के कोर्स की, ये डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि अगर एक बंदा बिल्कुल अनपढ़ है उसको भी ये कोर्स समझ आ जाए। लेकिन अगेन से, जब मैं बात करूँ उसको समझ आए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जितनी चीज़ मैंने पढ़ा दी सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करें। आपके पास 24 घंटे होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सप्लोर करें, गूगल के ऊपर सर्च करें, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है मुझसे रब्ता करें। लेकिन अगेन से, ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे ये पढ़ें कि सर फाइवर के ऊपर लॉग आउट कैसे होते हैं, लॉग इन कैसे होते हैं, बायर कैसे बनते हैं, सेलर कैसे बनते हैं, गिग कैसे क्रिएट करते हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये सारी ऑप्शंस आपके पास आपको नजर आ रही होती हैं फाइवर के ऊपर। बिल्कुल तालिया मुरीद, नेक्स्ट वीक से मैं अपनी तरह से ही लेकर चलूंगा, क्योंकि मैंने 3 दिन के लेक्चर को आपको कोई तकरीबन 9 लेक्चर जो है, 3 दिन लेक्चर, जो लेक्चर 3 दिन में देने थे वो मैंने आपको 9 दिन के अंदर डिलीवर किए हैं। तो डेफिनेटली आगे जाके मुझे स्पीड देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आमतौर पर अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं एक्स्ट्रा मुख्तलिफ चीज़ें सिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू अर्न मनी थ्रू फेसबुक, हमारे कोर्स का ऐसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ सिखाऊँ ताकि उनके पास मज़ीद चीज़ें आएँ। या और भी मैं मुख्तलिफ चीज़ें स्टूडेंट को सिखाता हूँ जो कोर्स का ऐसा नहीं है, लेकिन मैं उससे अर्न कर रहा हूँ। लेकिन ये सब कुछ जब भी मुमकिन होगा जब आप लोग टाइम के ऊपर काम करेंगे। देखिए, अब ये क्वेश्चन आया कि हसीब सागर ने पूछा है कि पायनियर्स का कार्ड कैसे बनता है। कल मैंने इसके ऊपर लेक्चर दिया था, आप कल वाले लेक्चर के ऊपर जाके देख लें। ठीक है हसीब सागर, सर आपने जो जुगाड़ बताया क्विज के बायपास करने का, उससे कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, इससे कोई मसला नहीं होगा, और इससे काफ़ी सारे स्टूडेंट के गीत जो है वो पब्लिश हो गए। आप असाइनमेंट रिलेटेड गिग नहीं लगा सकते हैं। एक बात याद रखें, जब आप फाइबर के ऊपर कोई भी गिग लगा रहे हैं तो आप उसके अंदर ये वाले वर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ये वाला वर्ड यूज़ किया तो फाइबर आपके ना सिर्फ गिग को रिमूव कर देगा बल्कि आपके अकाउंट को भी रिमूव कर देगा, तो आपने इस तरह से नहीं करना है। आप ये जरूर कर, आप ये फॉर एग्जाम्पल आप ये जरूर कर सकते हैं कि आई विल सॉल्व योर फिजिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये वाला वर्ड जो है वो सही। लेकिन अगर आप कहेंगे ना आई विल सॉल्व योर फिजिक्स असाइनमेंट, तो फाइवर आपके लिख को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो असाइनमेंट वाला वर्ड यूज नहीं करना है। सर हमारा सारा कोर्स ऑनलाइन, बिल्कुल आपका सारा कोर्स ऑनलाइन होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने
schools, college or universities ban ki hui hai. Sir, how to connect if you don't understand any? Agar aap koi cheez samajh nahi aa rahi hai to aap ja kar Facebook ke upar add karne aur mujhe aap Facebook ke upar message bhi kar sakte hain. Aur agar message karne se zyada behtar hai ki main yahan par पोस्ट क्रिएट करता हूँ क्वेश्चंस की, आप अपने क्वेश्चन को इस पोस्ट के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है. मैं हर दिन जब हमारा लेक्चर खत्म होता है तो मैं यहाँ पर पोस्ट लगाता हूँ हर लेक्चर से रिलेटेड. तो आप क्या कर सकते हैं, इससे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं. और अगेन से जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके अंदर स्क्रीन शॉट जरूर शेयर करें, वरना मुझे समझ नहीं आएगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है. मैं आपको सब कुछ जब ही सिखा पाऊंगा अगर आप लोग साथ साथ चलते रहेंगे. ऐसा नहीं होगा कि अभी तक फॉर एग्जाम्पल 300 स्टूडेंट रजिस्टर है, अभी तक 100 लोगों ने भी अपनी फाइवर की प्रोफाइल नहीं बनाया. सर यू सेड दैट ऑल यू रिसोर्सेज रिलेटेड टू इट अदर बट इफ यू मेंशन डिफरेंट स्किल. मैंने आपको ये कहा है कि इस तरह के होने चाहिए, लेकिन इसका जरूरी मतलब ये नहीं है कि इस तरह के ही होने चाहिए. मैं कहने का मतलब ये है कि अगर आपके रिलेटेड गिग्स होंगे तो ये एक अच्छा सिग्नल जाता है एज कम्पेयर टू अगर आप डिफरेंट गिग्स बना लें, ठीक है. तो आप डिफरेंट भी बना सकते हैं, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाएगा इन दोनों में से कौन सी चीज़ अच्छी है, जैसे कि अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था, तो मैंने कहा है कि ये वाली चीज़ ज़्यादा बेहतर है बनाने को, ये भी बना सकते हैं, ठीक है. कितना टाइम लगता है? गिग जो है विद इन सेकेंड पब्लिश हो जाता है, बिल्कुल. फ्रंट एंड बैक दोनों देनी आईडी की? सर आपने आर्टिकल राइटिंग कोर्स टाइम के जिसमें हमें अर्न भी कर सकते हैं फ्रॉम गिग. आप अभी से गिग क्रिएट कर लें, आपको अगर राइटिंग आती है तो. सर मैंने कार्ड के लिए अप्लाई किया था तो मेरा आईडी कार्ड स्कैन नहीं रिक्वायर्ड किया, ठीक है. अगर आपका भी कार्ड रिक्वायर नहीं किया तो आपसे मजीद रिक्वायर कर सकते हैं. सर फाइवर पे काम करके तो सब समझ आ रहा है. ये देखें, मोहम्मद राशिद ने अपने गिग के अंदर असाइनमेंट का वर्ड यूज किया था, तो उसके बदले में फाइवर ने क्या किया, उनके गिग को रिमूव कर दिया. तो आपने असाइनमेंट वाला वर्ड यूज नहीं करना. मुझसे फाइनल में आईडी कार्ड के पिछले आपने क्या करना है, अगर आप अपने ईमेल्स वगैरह को चेक करते हैं ना, आमतौर पे जो फाइनल है वो ईमेल करके आपसे आईडी कार्ड वगैरह मांगते हैं. सर फाइनल कार्ड के लिए तो लंबी चौड़ी डिटेल मांग रहे हैं, कंपनी नेम नहीं, आपने अपना नाम लिखना है. इतनी कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं मांग रहे हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं आपसे, क्योंकि वो आपका एक बैंक अकाउंट ओपन करने वाले हैं. सर फाइवर के अकाउंट रिमूव करने का ट्रिक तो बता देंगे, ये वाली चीज़ भी आता मोहम्मद, हम लोगों ने इतनी दफ़ा डिस्कस की. आप अपने फाइवर के ऊपर लॉगिन करेंगे, सेटिंग में जाएंगे और वहाँ पर आपको डीएक्टिवेशन की जो है ऑप्शन मिल जाएगी. लेकिन जब आप जिस आईडी से आपने फाइवर का अकाउंट डिलीट किया है वो दोबारा से आईडी यूज़ नहीं हो सकेगा, आपको नया जीमेल वगैरह या हॉटमेल वगैरह का आईडी देना पड़ेगा. अगेन से हमजा खान, आई डोंट नो कि आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि आपके पास कोई स्किल नहीं है. आपने यूनिवर्सिटी के अंदर 16 जमातें पढ़ी हैं, क्या आपने कोई स्किल नहीं सीखी अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर? कुछ भी नहीं आता स्किल, क्या आप मुझे बताएं आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपकी किस चीज़ के अंदर ग्रेजुएशन है, फटाफट से बताएं. अभी हम आगे जाके भी स्किल सीखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ जो स्किल आपने पढ़ी हुई है उसको भी थोड़ा तो उसको भी तो यूटिलाइज करें ना. ऐसा ना हो कि 16 साल जो इतने लाखों रुपया खर्च किया आपके पेरेंट्स ने, आप उसको सही ही ना कर सकते उसको. आप मैं हैरान हूँ आप उसको चीज़ को स्किल ही नहीं मान रहे जिसके ऊपर आपने ग्रेजुएशन की है. सर आप फटाफट बताएं हमजा खान आपने किस चीज़ के अंदर ग्रेजुएशन की है. सर मुझे तो डीएक्टिव शो नहीं होता, सबसे नीचे शो होगा. आप अपनी पिक्चर के ऊपर क्लिक करें जैसे कि उसामा यूनिस ने आपको बताया है. बल्कि अच्छा आप बताऊं कि अगर आपने डीएक्टिव करना है, कल वाले जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर मैंने एक अकाउंट को डीएक्टिवेट करना भी सिखाया है. आप कल वाला लेक्चर देखें अता मोहम्मद, उसके अंदर मैंने प्रॉपरली बताया हुआ है कि आप किस तरह से अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं. अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ यूट्यूब फाइबर के ऊपर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर. आपने कोई सॉफ्टवेयर चलाना वगैरह सीखा था मैटलैब के नाम से, ऐसा कोई जरा बताएं. और अभी आपसे आप अल्लाह हाफिज़ क्यों कर रहे हैं, अभी हमारी क्लास यहीं पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हर दोगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो इतनी ज़्यादा स्किल्स हैं.
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर तो प्रॉपरली आपने कितना कुछ सीखा होगा, स्पोर्ट आईटी स्पोर्ट से रिलेटेड चीजें सीखी होंगी आपने, कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सीखी होंगी, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी होंगी, कुछ वेब लैंग्वेजेस सीखी होंगी, आप इससे रिलेटेड चीजें यहाँ पे ऑफर कर सकते हैं। आपने उसामा बदली जो गिग एडिट की है उसको पब्लिश नहीं किया होगा, सेव नहीं किया होगा प्रॉपरली। हमारे कोर्स के अंदर अडोब फोटोशॉप वगैरह जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन हमारे कोर्स के अंदर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। ये सारा कोर्स है वो क्रिएटिव डिजाइनिंग है। ठीक है आरिफ मलिक, अगर आपको सिंपल आर्टिकल लिखना आता है तो आप उसी को लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ईद की बात करें, ईद में हम आपको जीवा करेंगे। कौन है ये फेसबुक यूजर के नाम से, कौन है ये बंदा? चेक करता हूं मैं नाम, कौन है ये शख्स फेसबुक यूजर नेम के नाम से। सैयद अली अब्बास शाह। आप लोगों की ईदी होगी, वो मैं आपको बहुत सारी असाइनमेंट्स अभी देने वाला हूँ, वो सारी आपकी ईदी होगी, टेंशन ना ले, आपको ईदी तो जरूर मिलेगी असाइनमेंट की शक्ल में। सर आई हैव ऑलरेडी फाइनेंस कार्ड बट नॉट द फाइनल कार्ड, कैन आई यूज द फाइनल ऐप? अगर आपके पास ऑलरेडी फाइनेंस कार्ड, आपने अकाउंट बनाया है, अगर अकाउंट नहीं आया तो आप क्या करें, आप फाइनेंस के ऊपर लॉग इन करें और वहां पर देखें कि आपके पास फाइनेंस का कार्ड क्यों नहीं आया है। ठीक है, कार्ड के ऑप्शन में जाएं, वहां पे आपको प्रॉपरली लिखा होगा रीजन कि आपके पास फाइनेंस कार्ड क्यों नहीं आया है। अगर वो आपसे ये कह रहा है कि $25 दो, तो आप फिर क्या करें, फाइवर के थ्रू नया कार्ड मंगवा लें। सर ईद स्टूडेंट्स की भाई हमें नहीं चाहिए। आप लोगों की वैसे असाइनमेंट वही है जो मैंने लिखी हुई है कि आप लोगों ने फाइवर का गिग क्रिएट करना है, और जिन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे गिग पोस्ट कर दी है इतने खराब खराब से, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने गिग्स को रिमूव करें और दोबारा से नए गिग क्रिएट करें प्रोफेशनल तरीके से। ठीक है, आपको ये सारे लेक्चर जो हैं इसी ग्रुप के अंदर से मिलेंगे। आप इस ग्रुप के अंदर जाएं, आपको यहाँ साइड लेफ्ट सॉरी राइट साइड के ऊपर ये टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं, आप लेक्चर्स के ऊपर क्लिक करेंगी तो आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप मोबाइल के ऊपर हैं तो आपको ये वाला मेन्यू टॉप के ऊपर नज़र आ रहा होगा, और अगर आप पुराने फेसबुक के ऊपर हैं तो आपको ये वाला मेन्यू राइट साइड पर नज़र आ रहा होगा, तो आपको यहाँ पर सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे अपनी क्लास खत्म करते हैं, आप लोगों से ईद के बाद मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल, अगर आपका गिग एक दफा रैंक हो गया और आपने उसको चेंजिंग की है तो आपका रैंक दोबारा से रैंक होना शुरू होगा, तो उसके लिए आप तो उसके लिए थोड़ा वेट करें।